हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू फुटबॉल विद कॉमेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर के बारे में, लेजेंड ऑफ द गेम, लेजेंड ऑफ द क्लब, एक ऐसा प्लेयर जो हमेशा, मतलब इस फुटबॉल की दुनिया में लंबे लंबे समय के लिए याद रहेगा सबको, और एक ऐसा प्लेयर जिससे कोई नफरत नहीं कर सकता यार, जिसको ये प्लेयर ऐसा है जिसको ये प्लेयर हमेशा पसंद आएगा, क्योंकि वर्सेटैलिटी की बात करो और मॉडर्न डे फुल बैक की अगर कुछ डेफिनेशन है तो डैट इज दैट प्लेयर। हम बात करेंगे आज मार्सेलो के बारे में। मार्सेलो के बारे में पहली बात तो, एक तो मैं जैसे मैंने बोला कि वो लेजेंड है, लेजेंड ऑफ द गेम, मतलब मेरे नज़रिए में, मैंने जब से फुटबॉल देखना शुरू किया है, मैंने जब से रियल मैड्रिड को सपोर्ट करना शुरू किया है, तो मेरे नज़रिए में उनसे बेटर मैंने फुल बैक आज तक नहीं देखा। इन माई बुक्स ही इज़ द बेस्ट बेस्ट लेफ्ट बैक, ही इज़ द बेस्ट फुल बैक आई हैव एवर सीन, एंड आई गेस शायद हमेशा मेरा फेवरेट, और यू नो हाईली रेट करूँगा मैं मार्सेलो को। तो बात करते हैं कि यार मार्सेलो की जर्नी कैसे शुरू हुई। मार्सेलो की जर्नी असल में शुरू हुई थी मैड्रिड में, जब वो आए थे तब वो एज अ यू नो लेफ्ट विंग खेलते थे, उनको कुछ गेम्स में सब्सटीट्यूट करके लाया जाता था, मतलब रेगुलर स्टार्टर नहीं थे वो शुरुआत से, वो एज अ मतलब रोटेशनल प्लेयर थे, उनको विंग पे खिलाया जाता था। इनफैक्ट जब जोसे मुरीनियो वाला एरा चल रहा था जब रियल मैड्रिड में, इनफैक्ट तब भी वो एक रेगुलर स्टार्टर नहीं थे, उनको ऑफ द बेंच ही लाया जाता था, फाबियो कॉन्त्राओ को यू नो स्टार्ट कराया जाता था। तो मार्सेलो जिस हिसाब से इस गेम में, मतलब उस क्लब में आए और जिस हिसाब से उन्होंने उस क्लब में फिट कराए, बहुत बहुत बड़ी, मतलब बहुत बढ़िया जॉब करी है मार्सेलो ने इस चीज़ में। और यार मार्सेलो बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन है एक फुल बैक की, जो एक मॉडर्न डे फुल बैक होता है, जो आगे जाके अटैक भी करता है और यू नो पीछे आके डिफेंस करना भी उसका काम है। मतलब अगर आज के इस मॉडर्न फुटबॉल एरा में अगर देखे तो जो सबसे ज़्यादा काम करता है, जो प्लेयर जो सबसे ज़्यादा यू नो इधर उधर भागता है, लोगों को कवर करता है, जो प्लेयर, वो एक फुल बैक होता है। और मार्सेलो ठीक वैसे ही प्लेयर थे। मार्सेलो हमेशा से ऐसे ही थे कि उनको आगे जाके यू नो खेलना भी पसंद था, आगे जाके असिस्ट प्रोवाइड करना, आगे जाके गेम में इन्वॉल्व होना बहुत पसंद था। ऑलमोस्ट एक विंगर की पोजीशन पे जाके वो खेलते थे, और इनफैक्ट लोग काफ़ी उनको क्रिटिसाइज करते थे कि डिफेंसिवली वल्नरेबल है काफ़ी, बट मैं नहीं मानता यार इस चीज़ को। मैं नहीं मानता कि मार्सेलो, ठीक है एट टाइम्स क्योंकि गलतियाँ सबसे होती है, फुटबॉल गेम ऐसा है, बट मैं मार्सेलो की जहाँ तक बात करूँ, मार्सेलो ने जितना इस टीम को मोमेंटम दिया है, जितना यू नो जो हमारा थ्री पीट का टाइम था जब हमने तीन लगातार UCLs जीते थे, तो तब मार्सेलो वॉज अ क्रूशल क्रूशल, मतलब लाजवाब एकदम, बिल्कुल उन पर डिपेंड थी कहीं ना कहीं उनका मैड्रिड का डिफेंस। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे उस समय जो भी फुल बैक्स थे वो सब आगे जाते थे और पीछे आना पड़ता था डिफेंस करने के लिए भी, तो उसमें मार्सेलो का जो वर्क रेट, मतलब सबसे ज़्यादा अगर मार्सेलो किसी चीज़ के लिए जानना चाहते थे तो वो उनका वर्क रेट ही था। अब अगर मैं बात करूँ कुछ यादें जो यू नो मार्सेलो ने हमें दिए, कुछ मूवमेंट्स जो मार्सेलो ने हमें दिए, आप बायर्न म्यूनिक के अगेंस्ट वो ड्रिबलिंग बोलो, जब उन्होंने रॉबिन को, रिबरी को, यू नो सारे डिफेंस लाइन को खोलते हुए वो आगे गए थे और फिर उन्होंने एक यू नो पास करा और रोनाल्डो ने गोल मारा था। एक मोमेंट और मेरे को याद है मार्सेलो का, जो मतलब ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट मोमेंट में आएगा, 2018 चैम्पियंस लीग फाइनल कीव में, और दैट क्रॉस टू बेल एंड बेल की वो बाईसाइकिल किक। तो ऐसे जितने मोमेंट्स याद करूँ यार उतने कम हैं। मार्सेलो अगर जिसने भी फुटबॉल यू नो मतलब रियल मैड्रिड को सपोर्ट करना 2010-2011 के आसपास या फिर 2012 के बाद से शुरू करा है, जैसे कि मैंने, तो दो प्लेयर्स या तीन प्लेयर्स ऐसे थे जो उनके एब्सोल्यूट फेवरेट्स हो गए थे, मार्सेलो, क्रिस्टियानो एंड रामोस। अब तीनों हमारे क्लब में नहीं है, तीनों रियल मैड्रिड में नहीं है, दिल टूटता है ऑब्वियसली, काफ़ी काफ़ी दुख होता है ये चीज़, मतलब अगर इस चीज़ को आप सोचो भी तो आपको काफ़ी यू नो एज अ मैड्रिड फैन आपको बहुत दर्द होगा इस चीज़ को, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना, मतलब जिनकी वजह से आप ये गेम देखना शुरू करते हो, जिनकी वजह से आप उस टीम को, उस क्लब को एडोर करना शुरू करते हो। तो एक बहुत बड़ा रीज़न
रियल मैड्रिड सपोर्ट करने का वॉज मार्सेलो। अब मार्सेलो नहीं है, कोई यू नो कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ में। बट जिस हिसाब से मैंने देखा कि अगर मैं इस सीज़न की बात करूँ, जो लास्ट सीज़न था, जिसमें मार्सेलो वॉज नॉट एट ऑल अ रेगुलर स्टार्टर, बेंच से भी कभी कभार आते थे, बट स्टिल उनका इम्पैक्ट, अगर मैं ऑफ द फील्ड इम्पैक्ट की बात करूँ, तो उनका इम्पैक्ट कहीं कम नहीं रहा। उनने अभी अपने लास्ट यू नो जो उनकी फेयरवेल स्पीच थी, उसमें उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि भले से मैं हर गेम हर या फिर मैं रेगुलर स्टार्टर नहीं बन पाया, बट जितना उन्होंने यू नो कोऑपरेट करा ऑफ द फील्ड भी, क्योंकि उन्होंने प्लेयर्स को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिया है। क्योंकि हमारा जो स्क्वाड है यार अभी रियल मैड्रिड का, वो काफ़ी यंग है। अगर आप देखो विनीशियस है हमारे पास एडर मिलिटाओ है, हमारे पास रॉड्रिगो है, वेलवार्डे, कामाविंगा, मतलब पूरा यंग स्क्वाड है। और अभी हम लेकर आए चुआमेनी को, वो भी बहुत यंग है। तो जितनी बातें करो, अगर आप ऑफ द फील्ड की बातें करो, तो मार्सेलो ने उस चीज़ में भी हेल्प करी है। और यार ये अगर आप ऑन द फील्ड इम्पैक्ट छोड़ते हो, और आप अगर ऑफ द फील्ड भी क्लब को हेल्प कर रहे हो और प्लेयर्स को यू नो डेवलप होने में हेल्प कर रहे हो, तो यू आर ट्रूली अ लेजेंड, नो डाउट। क्योंकि यार मार्सेलो मैं जितनी बातें बोलूँ उतनी कम है। एंड में बस यही बोलना चाहूँगा कि यार मार्सेलो विल ऑलवेज बी द ग्रेटेस्ट, विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज अ यू नो लेजेंड, एज अ गोट इन दैट डिफेंसिव एरिया, और लंबे लंबे समय तक यू नो याद आने वाली है मार्सेलो की। क्योंकि कहीं भी अगर हमें फुल बैक की पोजिशन पर स्ट्रगल होगा, हम यही बोलेंगे यार कि काश मार्सेलो होता, काश मार्सेलो होता, काश मार्सेलो होता। बट ठीक है, ये यू नो फुटबॉल का पार्ट है। और जैसे आप रियल मैड्रिड को जानती हो, रियल मैड्रिड थोड़ा यू नो प्लेयर अगर लेजेंड ही क्यों ना हो, बट फुटबॉल इज ग्रेटर, यू नो अ क्लब इज ग्रेटर देन एनी प्लेयर। तो वो रियल मैड्रिड ने हमें दिखाया, चाहे वो क्रिस्टियानो के केस में हो, चाहे वो सर्जियो रामोस के केस में हो, चाहे अब वो मार्सेलो के केस में हो। कोई नहीं, ये सब फुटबॉल का एक पार्ट है। प्लेयर्स आएंगे, प्लेयर्स जाएंगे, लेजेंड्स आएंगे, लेजेंड्स जाएंगे अल्टीमेटली, कोई ना। तो यही तक थी अपनी वीडियो यार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगर आप मैड्रिड फ़ैन हैं तो कितना दुख हुआ आपको, कितना यू नो दर्द हो रहा है आपको जब मार्सेलो ऐसे यू नो जा रहे हैं क्लब को छोड़ के। और सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसे ही हम आपके लिए यू नो रेगुलर कंटेंट वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।